आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और ये त्रिकोणमिति का पार्ट टू है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और जब मैं पहला क्लास दिया था तो उस दिन मैंने स्पष्ट शब्द में बोला था कि 6-7 साल का बच्चा जो क्लास टू में पढ़ता है, मैं उसको मानकर पढ़ा रहा हूं। मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि मेरे सामने वो बैठा है, मुझे उसको सिखाना है। अगर वो उसको समझ में आ रहा है तो आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। एक भी मेरा भाई बहन पीछे नहीं है, 100 में 100 लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहला वीडियो मैंने दिया, नहीं देखे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहला वीडियो देख, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ सीखना है टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद ही बोलेंगे भैया मुझे सीखना नहीं है, हम बहाना बनाएंगे कि हमको आता नहीं है सारा जिंदगी, फिर तो बात अलग है। अगर आपका इच्छा है, नहीं भैया मुझे सीखना है ये चैप्टर, फिर तो आप सीख गए। देखो और एक बात, मैंने एक बात और बोला है, आप ये मत बोलना ना भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा क्या होगा। जितना सिखा रहे उतना आपको समझ में आ रहा है ना, 10-11 पार्ट मिलने के बाद आप बोलेंगे भैया माइंड में ना कोई डाउट रह नहीं गया है। आप वो क्लास टू वाले बच्चे को समझ कर पढ़ो, उसको कुछ नहीं पता है आगे क्या होगा, उसको बस इतना पता है भैया जैसे जैसे सीढ़ी चढ़वा रहे इस चैप्टर का वो चीज समझ में आ रहा है। पूरा सीढ़ी चढ़ने के बाद बोलेगा अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। बिल्कुल, आज का चैप्टर क्या है आपका, त्रिकोणमिति का जो है मान, इसको बहुत जन बोलता है रट्टा मार लो। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप खुद से 100 में 100 बच्चे जो भी देख रहे हैं ना, आप सभी बोलेंगे कि भैया हम आंख बिना चार्ट देखे हम खुद से ये बना सकते हैं। और बनाने के बाद गूगल में जाकर चार्ट मिलाएंगे ना अपने चार्ट से, तो भैया एक एक मान पानी के तरह क्लियर आ रहा है। ये आप कर सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है देखो वीडियो, बस देखो दिख रहा है ना, पूरा समझाऊंगा क्या क्या मान कर चलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है जितना बता रहे बस उतना, साइन कॉस कॉसेक सेक, थोड़ा नीचे नीचे लिखते हैं ठीक है, थोड़ी ताकि मुझे जगह भी मिल पाए। साइन उसके बाद कॉस, ठीक है कॉसेक, ठीक है सेक, ठीक है टेन, ठीक है दिख रहा है ना, और नीचे आपका कॉट। अब इसी का मान आपको निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। भैया साइन 0, भैया साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, भैया 45 डिग्री का मान क्या होगा, भैया 60 डिग्री का मान क्या होगा, और 90 डिग्री का मान क्या। भैया अगर आगे पूछे तो 130 डिग्री, 105 डिग्री, अरे वो भी बताएंगे, कोई माइंड में डाउट नहीं रह जाएगा। ये दिया गया है ना, आप सब निकाल सकते हो। पता है कैसे, देखो मत पूछे, बस आपको ये वाला सीखना है, साइन सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, और कुछ नहीं सीखना है, बस आपको ये सीखना है। और सीखना भी नहीं है, और सीखना भी नहीं है, देखो और सीखना भी नहीं है, देखो क्या कर रहे हैं। आपको बस ये पता है बाकी उतर जाएगा, लेकिन और ये भी नहीं सीखना है, करना क्या है देखो। यहां पर साइन 0 को क्या मान लेंगे भाई, तो आप बोलेंगे 0, ठीक है क्या लिखे, 0 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, और क्या लिखे हैं भैया 4। ये आप सभी लिख सकते हैं, ऐसे हार्ड लग रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है। साइन के पास क्या लिखे, 0 डिग्री के पास 0, 1, 2, 3, 4। अब आप बोलेंगे भैया ये तो बच्चा भी लिख लेगा, अरे बिल्कुल मैं बच्चा को ही समझा रहा हूं, इसके सहायता से सब हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है भैया, बिल्कुल कुछ नहीं। देखो अब जो भी दिया गया है उसके हर में नीचे में बट्टा 2 करना है, बस ऊपर वाला का खेल है। ये आप कर पाएंगे या आपको याद करना है क्या, और ऊपर वाले को अंडर रूट ऐसे कर देना है, काम खत्म, काम खत्म। कुछ किए क्या हम कुछ किए क्या, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे और सबके हर में 2, 2, 2, 2 कर दिए और ऊपर में घेर दिए, और तो कुछ किए नहीं हम, और कुछ किए क्या, नहीं भैया और तो आप कुछ किए नहीं। अच्छा अगर 0 को / 2 से भाग दिया जाए तो क्या निकल कर आएगा, आप बोलेंगे भैया अगर 0 को 2 से अगर हम भाग दे तो 0 ही निकलता है,
तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, जीरो लिख दो। अच्छा, ये अंडर रूट एक का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे भैया इसका मतलब एक ही होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ। क्या लिख सकते हैं? हाफ। कहानी खत्म। अच्छा, ये दिया गया है भैया अंडर रूट टू बटा टू दिया गया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने आता है आपको? नहीं भैया, बता दीजिए। देखो, अगर कभी भी ऐसा दिया हो ना, भैया इसको क्यों नहीं किए, अरे इसका मतलब ही एक होता है, तो एक बटा दो क्लियर लिख दिए। अगर ऐसा दिया हो ना, इसका मतलब यह होता है इसको हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, ये अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर भी अंडर रूट टू और नीचे भी अंडर रूट टू से गुना करते हैं, गुना करते हैं, तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू दोनों मिलकर एक दो बन जाएगा, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं एक दो, और नीचे वाला ये पूर्ण दो और ये अंडर रूट दो, यानी कैसे बचा, इतना बचा। तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या यहां पर, यहां पर बचा भैया एक अंडर रूट दो, तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं। ये आप सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं बिना चार्ट देखे, बन गया ना। अब इसके जगह पर तो बस यही छोड़ दो, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे दिया गया है तो इसको एक बार में दो लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे दिया होता तो इसको तीन लिख सकते हैं, अगर ये 16 दिया होता तो इसको चार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब अगर 64 दिया हो तो किसका है, ये 8 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना। तो ऊपर में देखो, अगर चार दिया गया है तो ऊपर दो नीचे दो, कटेगा क्या बचेगा, एक। क्या बचेगा, एक। हो गया काम, काम खत्म। मुश्किल लगा क्या, कहां भैया पूरा चार्ट तो बाकी है। अरे बाकी है, मैं किस लिए हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मान नहीं पता है कि टेबल में मान क्या दिया गया है, बस मुझे इतना बनाना आता है, इसके सहायता से सब कर दूंगा। आप कर लेंगे, आप कर लोगे ये सब चीज, बताओ एक बार। बिल्कुल भैया, अब देखो, अब जब साइन निकल गया ना, साइन का रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है भैया, ऐसे ऐसे रिवर्स, ऐसे मान उतर जाएगा, यानी साइन निकल गया तो कॉस का टेंशन खत्म, और जब कॉस निकल गया तो कल के वीडियो में क्या बताए हैं, कॉस का ठीक उल्टा। ये रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स रिवर्स, और कॉस का उल्टा क्या होता है भैया, कल ही तो बताए कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो भैया कल ही तो बताए साइन का उल्टा होता है भैया कॉसेक। क्या बात है, इसका मतलब भैया अगर साइन हम निकाल लिए ना, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कॉस निकल जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक निकल जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बाकी बता दे रहे हैं। देखो आप सभी, ये निकल गया ना, ये सभी को आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किए, जीरो एक दो तीन चार किए थे, हर में दो किए थे, ऊपर में ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, अब इसको रिवर्स करना है, साइन का रिवर्स ऐसे, यानी 90 आ जाएगा जीरो के पास, क्या हो गया एक, ये आ जाएगा यहां पर, ये वाला रिवर्स कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया ऐसे, बहुत बढ़िया भैया। अब ये कहां जाएगा, ये तो यहीं पर उतरेगा ना, तो इसका मान कितना हो गया, ये हो गया, ये अब जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा एक बटा हाफ, ये कहां जाएगा, उधर जाएगा भैया, यानी भैया साइन से कॉस भी बन गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कल का क्लास बताए थे ना, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कल मैंने बताए थे, तो जब कॉस निकल गया तो कॉस से सेक निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, उल्टा बोले रिवर्स नहीं बोले, आप एक बात समझना, यहां पर बोले हैं रिवर्स, इसका उल्टा बोले, उल्टा 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 उल्टा, तो एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा भैया एक ही होगा, एक का उल्टा भैया एक ही होगा, इसका उल्टा क्या, अच्छा इसको उल्टा कर सकेंगे आप सभी क्या, किसको भैया, इसको उल्टा करना है, इसको इसको उल्टा करना है भैया, कैसे करे, अरे उल्टा करने नहीं आ रहा है, पलटो ना, ऊपर में दो नीचे अंडर रूट थी, ओ ये करना है क्या, उल्टा करना है, हां भैया बिल्कुल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो भाई इसका हो जाएगा दो अंडर रूट थ्री, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको उल्टा कर पाएंगे क्या,
बिल्कुल कर लेंगे भैया, इसका उल्टा जो है वो अंडर रूट टू होगा क्योंकि वन नीचे आ जाएगा। अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा आप सभी से, इसका उल्टा हाँ भैया क्या हो जाएगा, उलटिए दो हो जाएगा। और जीरो को कभी भी उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव यानी अंत तक कोई लिमिट नहीं है, ऐसे जाएगा। ठीक है जीरो को याद रखिएगा, जीरो को उल्टा करेंगे ये आ जाएगा। चलो यानी साइन हुआ कॉस हुआ, कॉस का उल्टा सेक हुआ, तो ये भी तो पता है कल के क्लास में बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बताए थे ना, बिल्कुल। तो इसका उल्टा करिए, जीरो का उल्टा अभी तो भैया बताए जीरो का उल्टा ये होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक में ये आ गया। इसका उल्टा उल्टा हाफ का उल्टा उलटिए दो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका उल्टा उलटिए, अच्छा इसको ब्लैक लिखते हैं ब्लैक से ताकि आप सभी का क्लियर रहे। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा दो, इसका उल्टा ऐसे, इसका उल्टा अरे भैया ऐसे, बहुत बढ़िया। इसका वन का उल्टा वन, राइट क्लियर। कुछ किया क्या, कोई किताब में देखा क्या, आप सभी कर सकते हैं बिना किताब देखे हुए, सभी का औकात बन गया ना कि भैया एक मिनट कि भैया ये तो हम सब भी कर सकते हैं, सभी कोई कर सकता है। अब बात आता है टैन और कॉट का, ये कैसे करें। तो कल के क्लास में समझाए थे एक चीज कि टैन बराबर क्या होता है, तो आपने बोला था भैया साइन बाई कॉस होता है, ये आपने बताया था क्या कल के क्लास में, मैंने बताया है क्या टैन बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, मैंने कल बताया था ये सब चीज। तो अगर आपके पास टैन का मान निकालना है और टैन बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, आपके पास साइन भी है और कॉस भी है, निकाल दो ना, निकाल दीजिए, किसी को दिक्कत है क्या यहां पर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो को अगर एक से भागा दिया जाए तो आप बोलेंगे जीरो होगा, साइन बाई कॉस है ना, देखो बीच में भागा लगाओ, बीच में भागा लगाओ, करते जाओ सब उतर जाएगा। तो जीरो को अगर एक से भागा दिया जाए जीरो उतरेगा यहां पर भैया, अरे कुछ नहीं है ना, देखो एक बार मुझे ध्यान से, ऊपर में क्या है, ऊपर में हाफ है, उसके बाद क्या है, ऐसे करते हो इसका भागा किससे, अंडर रूट थ्री बाई टू से, तो दो दो कटा कटा क्या उतरेगा, वन बाई अंडर रूट थ्री, बहुत बढ़िया। आगे इसका क्या होगा भैया, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, एक हो जाएगा, कैसे, अंडर रूट टू बाई वन अंडर रूट टू, तो ये कटा, बचा क्या, एक बचा। और सभी को पता है मैक्सिमम कि टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। अब आगे बढ़ते हैं ना, यहां पर इसका क्या हो सकता है भैया, अरे क्या कर सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से इसके विषय में हम सभी क्या कर सकते हैं, किसी को डाउट है, इसका और इसका और इसका, देखो यहां पर ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट थ्री है बटा टू है, ठीक है, उसके बाद क्या है, वन बाई टू, तो दो दो कटा, बचा क्या, सिर्फ अंडर रूट थ्री बच गया, बहुत बढ़िया भैया। और इसका एक का भागा जीरो से दिया जाए तो इन्फिनिटिव जाएगा, आगे तक क्लियर। अब टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, अगर ये जीरो है, जीरो का उल्टा अभी तो बताए, जीरो का उल्टा ऐसे जाएगा, इसको उल्टा करिए ये हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही होता है भैया, इसका उल्टा, अच्छा ये दिया गया है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर में एक और ये नीचे चल जाएगा, होगा ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट थ्री। और अगर जीरो का उल्टा हम ये मान रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, जीरो होगा ना, चार्ट कंप्लीट, चार्ट जो है वो आप सभी का कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं किए हैं, कोई पेपर नहीं देखे हैं ना कोई चार्ट देखे हैं, आप सभी के सामने बता रहे हैं और पहला क्लास से निकल कर आ रहा है सब चीज। मैंने बस इतना बताया, जीरो एक दो तीन चार, ठीक है, नीचे में हर में दो रखिए, ऊपर में अंडर रूट, पहला बन गया। तो साइन का रिवर्स, रिवर्स कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है,
तो कॉस से सेक निकल गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन से कॉसेक निकल गया, और टेन बराबर साइन बट्टा कॉस होता है तो ये टेन निकल गया, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट निकल गया। भैया याद कैसे रहेगा? अरे याद कौन बोल रहा है कि आप याद करो, मैंने बोला क्या कि आपको याद करना ही पड़ेगा? मैंने बोला क्या जब सवाल करेंगे ना, जब सवाल करेंगे आप बोलेंगे भैया सवाल करते करते हमें याद हो गया है, हमें याद हो गया है भैया, या एग्जाम में अगर कभी भी भूल जाओ फटाफट ये बना लो और जो चाहिए वो मान बस निकाल लो, काम खत्म, काम खत्म। दो क्लास मैंने आपको दिया है साइन और कॉस का, ट्रिगो का, और बहुत छोटा क्लास है। अभी क्वाड्रेंट क्या होता है वो समझना है भैया, नहीं समझ में आ रहा क्वाड्रेंट वाला, वो 90 बस आपका प्रॉब्लम नहीं है, 100 में से ना 70% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। जो ट्रिगो के थोड़ा बहुत सवाल कर भी लेते हैं ना, अच्छे सवाल में वो फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता है किस क्वाड्रेंट में कौन सा है, लेकिन कल वो भी पानी पानी कर देंगे, आप खुद बना लोगे। ये पहले ना, अभी अभी इसको आप नहीं देखोगे, कोई इसको नहीं देखेगा, तरीका मैंने बताया, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं आप एक काम करिएगा, अभी पेन पेपर उठा कर ना, पेन पेपर उठा कर आप सभी एक बार अपने आप बनाओ, फिर चेक करो, बोलना अगर सही बन गया तो बोलना ऑल इज वेल, भैया मजा आ गया, सब बनाएगा, सब बनाएगा, ऐसा कोई हाथी घोड़ा नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आएगा, सभी ट्राई करेंगे एक बार बिना देखे हुए, छापेंगे नहीं, ट्राई करना है। अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्लास 2 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ा रहा हूं तो आप तो आराम से समझ पाएंगे, तो एक बार मेरे रिक्वेस्ट पर सभी ट्राई करेंगे और वीडियो के एंड में कॉमेंट करेंगे, भैया मैंने अपने से बनाया पूरा चार्ट, कॉमेंट करो एक बार, ठीक है? चलो क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, ठीक है ना, चलिए, और हाँ शेयर कर देना यार दिल से।